बात करेंगे फिरोजाबाद पुलिस की, जिसके लिए ड्यूटी नहीं एहसान है जिसे वो लोगों पर करती है। दिखाएंगे यूपी में कानून के रखवालों की एक और तस्वीर, जिनके लिए खुद कानून ठेंगे पर है। बताएंगे गैंग रेप की एक ऐसी वारदात जिसके बारे में गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए भी अब एक चुनौती। तो देखते रहिए हाई अलर्ट और रहिए अलर्ट। एहसान बड़ा या ड्यूटी, ये सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करती है वो पुलिस की ड्यूटी है, या फिर उसके जरिए लोगों पर किया गया एहसान। ये सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस की एक कार्रवाई के बाद ये सवाल अपने आप लोगों के जहन में आ रहा है, जिसमें बदमाशों के चंगुल से छूट कर आए एक पीड़ित को फिरोजाबाद के कप्तान साहब एहसान गिनाते नजर आए। तो इनके साथ कुछ भी हो, बड़ा एहसान है एसपी साहब आपका। इस शख्स को आपने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया, ये आपका ना तो काम था और ना ही कर्तव्य। तो आप कुछ ज्यादा कहेंगे? आपको बचा लिया, नहीं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता। ये तो इस शख्स को बार बार बल्कि लाखों बार शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसे आप जैसे अधिकारी और फिरोजाबाद जैसी जुझारू पुलिस मिल गई, वरना तो इसके साथ कुछ भी हो सकता था। तो आप कुछ ज्यादा कहेंगे? आपको बचा लिया, नहीं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता। 72 घंटे से एक शख्स अपहरणकर्ताओं के चंगुल में था। पीड़ित की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस सक्रिय हुई, पुलिस ने काम काबिले तारीफ किया, लेकिन एसपी साहब अपने इस काम जिसे उनकी ड्यूटी कहा जाएगा करने के बाद एहसान जताना बिल्कुल भी नहीं भूले। वो आरोपियों के सामने पीड़ित को ये कहना नहीं भूले कि बचे तो हमारी ही वजह से, वरना जिंदगी तो तुम्हारी गिरवी हो ही गई। ड्यूटी नहीं एहसान करती है फिरोजाबाद पुलिस। बदमाशों को पकड़ा ड्यूटी नहीं, लोगों पर एहसान है। तो आप तो कोई अदा कहेंगे? आपको बचा लिया, नहीं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता। भले ही ये शख्स इस वक्त बदमाशों के चंगुल से मुक्त हो चुका है, खुले में सांस ले रहा है और पुलिस की मौजूदगी में खुद को महफूज भी महसूस कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके पीड़ित की शक्ल में दहशत साफ नजर आ रही है और उस पर फिरोजाबाद के एसएसपी का एहसान, जिसका बोझ शायद इसे पूरी जिंदगी उठाना पड़ेगा। बेखौफ बदमाशों ने किया था अपहरण, अपहृत की पत्नी से मांगे थे 10 लाख रुपए। दरअसल थाना टूंडला क्षेत्र में बीते 24 फरवरी को कुछ बदमाशों ने फिरौती के लिए किसान कैलाश का अपहरण कर लिया था। इसके बाद बदमाशों ने कैलाश की पत्नी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पति के अपहरण से परेशान पीड़िता ने टूंडला पुलिस को शिकायत की थी और पति को बचाने की फरियाद लगाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सच में पुलिस ने बेहद उम्दा कार्रवाई की और महज 8 घंटे के अंदर न केवल अपहृत कैलाश को छुड़ाया बल्कि 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। टुंडला क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद का है, जहाँ पे आज प्रातः करीब 10 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक कैलाश यादव और कैलाश चंद्र, पिता का नाम फौरन सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, इनका बदमाशों ने अपहरण कर लिया है और 10 लाख रुपए की फिरौती इनसे परिवार से मांगी जा रही है। इनकी पत्नी के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई। हमने अपहृत को सकुशल आगरा के खंदौली इलाके से पुराने मकान से 8 घंटे के भीतर बरामद करने में सफलता पाई है। कैलाश के अपहरण के पीछे उसका प्रधानी के चुनाव लड़ना बताया जा रहा है,
पुलिस के मुताबिक कैलाश ने पूरे गांव में अपने पर्चे लगा रखे हैं। कैलाश की इसी तैयारी से बदमाशों ने अंदाजा लगा लिया था कि इस वक्त कैलाश के पास अच्छी खासी रकम है, जो उसके अपहरण के बदले फिरौती के रूप में मिल सकती है। इस वारदात में सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि कैलाश के अपहरण में दो जिलों के बदमाश शामिल थे। आगरा और हाथरस के बदमाश गांव-गांव लगे पर्चों के आधार पर ही कैलाश तक पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया। कैलाश यादव ये कभी ठेकेदारी का भी काम करते थे, अभी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। इनका मूल निवास आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में नगला चंद्रभान और सैफुद्दीनपुर इनका मूल निवास है। इन्होंने तमाम पोस्टर्स चिपकाए थे जिसमें इनकी फ़ोटो थी और इनके सहयोगियों के नंबर थे। इन चीज़ों को देखते हुए और इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आगरा और हाथरस के बदमाशों ने संयुक्त रूप से इस तरह का वारदात करने की योजना बनाई थी। हाथरस का भी इसमें जिक्र आया है, इसके बारे में डिटेल पड़ताल की जाएगी। फिलहाल जो बदमाश लोग गिरफ्तार किए हैं वो आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के गढ़ी नैनसुख गांव के रहने वाले हैं। दोनों बदमाश, इनमें एक का नाम मुकेश कुमार बघेल, दूसरे का नाम ब्रज किशोर बघेल है। इन दोनों बदमाशों को मौके से गिरफ्तार करके अपहृत को सक्सेसफुल बरामद किया गया है। एसएसपी साहब, आपने एक अपराध को मुक्त कराया, अपहरणकर्ताओं को पकड़ा, ये सराहनीय है। इसके लिए पुलिस टीम की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। लेकिन साहब, जिस तरह से आप एहसान जता रहे हैं तो जान लीजिए कि अपहरण की वारदात आपके जिले में होना यानी बदमाशों की दस्तक जिला पुलिस की नाकामी की थी निशानी है। तो आपको तो याद आपको बचा लिया, नहीं तो इनके साथ कुछ भी होता। तो जनाब, गनीमत समझिए कि किसान के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, वरना दामन में दाग लगते देर न लगती। फिरोजाबाद से कृष्णा पूरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।